हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजर्ड। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे, राजा किसान और नगर। ठीक है, तो इस टॉपिक में इस जो ये जो वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था और क्यों था। ठीक है, और फिर हम देखेंगे जो दक्षिण के राजा जिन्हें हम सरदार भी कहते हैं इस टॉपिक को थोड़ा कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं मौर्य साम्राज्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य था जिसके स्रोत में पहले बता चुका हूँ कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, इसकी जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों था। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक इतिहास है, जो हमारे वर्षों बीता हुआ इतिहास है उसकी जांच करेंगे। ठीक है, कब, जब हमारा देश गुलाम था, किनका, अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का अधिपत्य था किस पे, भारत पे। तो जब इन्होंने खोज की तो उससे क्या पता चला कि जो मौर्य साम्राज्य है इसे क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस साम्राज्य में महान शासक थे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। ठीक है, फिर उन्होंने पाया कि यहाँ पे कुछ अद्भुत कलाएं भी थी जैसे मूर्तिकला और अभिलेख। कि मूर्तिकला आपको पहले बता चुका हूं कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, वो भी हमें किसकी देन है, मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, और जो यहाँ के जो अभिलेख मिले हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं और इनपे कुछ धर्म के सिद्धांत लिखे हुए हैं, अशोक के धर्म के सिद्धांत, और अशोक के बारे में भी लिखा गया है कि जो अशोक था वो बहुत ही बलशाली और मेहनती था और लोगों का चाहने वाला, मतलब लोकप्रिय था। ठीक है, तो इसलिए हम मौर्य साम्राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो हमारा और एक और चीज कि इसका जो शासन काल कब तक चला, 150 वर्ष तक इसका शासन काल चला, इसका मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, शासन काल 150 वर्ष है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि दक्षिण के राजा व सरदार। तो दक्षिण के राजा और सरदार होते कौन थे, थे कौन। ठीक है, तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये कौन से क्षेत्र है, भारत के दक्षिण के कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे कुछ राजाओं मतलब कि वंश का उदय हुआ, जैसे चोल, चेर और पांड्य का उदय हुआ। ठीक है, चोल, चेर और पांड्य का उदय हुआ, जो कि ये एक समृद्ध थे, जो ये शासक वर्ग थे वो क्या थे, समृद्ध थे और स्थायी राज्य वाले थे। आपको पता है कि अभी भी तमिल, केरल और आंध्र प्रदेश अभी उपस्थित है भारत में। फिर जो दक्षिण के सरदार और राजा हैं, इनके हमें स्रोत कहां से मिलते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा मौर्य साम्राज्य के स्रोत कहां से मिलते हैं, मेगस्थनीज से, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुस्तक। ठीक है, तो इसी तरह संगम ग्रंथ, संगम ग्रंथ दक्षिण का एक ग्रंथ है जिसके जिनमें चोल, चेर और पांड्य राजवंश के बारे में लिखा गया है और तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, और जो जो ये कर और राजस्व प्राप्त करते थे किससे करते थे, वो ये रफ कर रहा हूं। ठीक है, जो ये टैक्स प्राप्त करते थे कौन, दक्षिण के राजा वो कैसे करते थे, जो लोग लंबी दूरी करके व्यापार करते थे उनसे ये क्या करते थे, टैक्स लेते थे जिसे राजस्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि राजा और सरदार क्या है। तो सबसे पहले दक्षिण के जो राजा हैं उन्हें सरदार के भी नाम से जाना जाता है, जो कि जो राजा होता था और सरदार ये वंशानुगत होते थे, जैसे कि पिता भी राजा है, पिता के बाद पुत्र, फिर उनके पुत्र, फिर ऐसे ऐसे ही चला था, वो है वंशानुगत राजा बनते थे। और जो दक्षिण के राजा वे सरदार थे वो अनुष्ठानों का भी संचालन किया करते थे और ये युद्ध का नेतृत्व, मतलब कि किसी से युद्ध होता तो उसका नेतृत्व होता, सेनापति भी होते थे और उनके उनमें मध्यस्थता मतलब कि समझौता भी करवाते थे। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे कि दो राज्यों में युद्ध हो रहा है, समझौता होने का क्या है कि दूसरा वाला हार मान ले या विवाह के संबंध बन जाए दोनों, तो मध्यस्थता हो जाती है, मित्र बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे। और लास्ट बात यह है कि जो सरदार थे
दक्षिण की, वो क्या करते थे अपने अधीन लोगों से, मतलब जो उनके राज्य में रह रहे हो, जैसे तमिल केरल और आंध्र प्रदेश में कुछ लोग रह रहे हो, उनसे क्या लेते थे भेंट, भेंट के रूप में, भेंट हम दूसरे रूप में टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दक्षिण के राजा और सरदार, और मैंने अभी बताया था कि मौर्य साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था क्या, देवीय व्यवस्था, ठीक है। तो देवीय व्यवस्था, देवीय राजा, इसका मीन्स, ठीक है। तो इसमें जो राजा थे, जो मगध के राजा हुए कहीं और के, जैसे कि कुषाण राजा का सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो राजा उस समय के हुआ करते थे, वो देवी देवताओं से जुड़ते थे, ठीक है। देवी देवताओं से जुड़ना मतलब उन बड़े बड़े मंदिर बनवा देना, यज्ञ करना, मूर्तियां स्थापित करवा देना, जिससे ये वो सिद्ध करते हैं कि वो क्या है, देव्य तुल्य, ठीक है। तो हमें इसके साक्ष्य भी मिले हैं, यूपी है हमारे जो उत्तर प्रदेश है, वहां पे जो मथुरा है उसके मठ एक देव स्थल है, जहां पर कुषाण वंश के राजाओं ने क्या किया, मूर्ति की स्थापना की, ठीक है। तो इस प्रकार जो उस समय के राजा थे वो अपनी देवी व्यवस्था चलाते थे, ठीक है। और यही हमें अफगानिस्तान में भी साक्ष्य मिलते हैं कि जो अफगानिस्तान के राजा थे वो भी देव्य तुल्य होने के लिए मूर्तियों की स्थापना करवाया करते थे, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, वैसे ही गुप्त वंश के इतिहास के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसके चार महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कौन से, साहित्य, अभिलेख, मुद्राएं, विदेशी वृत्तांत, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो साहित्य है, गुप्त वंश के इतिहास को जानने का पहला स्रोत साहित्य है, जिसके अंतर्गत हमें वहां पर कुछ पुराण द्वारा पता चलते हैं, कैसे पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, जिसके अंतर्गत धर्म, जो गुप्त वंश के धर्म के बारे में बताता है, वहां के संस्कार के बारे में बताता है, और स्त्रियों के बारे में बताता है कि वहां पर जो गुप्त वंश है वहां पर स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्थिति कैसी थी उस समय, तो जिससे कि हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। सेकंड पॉइंट, अभिलेख। तो हमें सबसे पहले जो अभिलेख है वो हमें संस्कृत में मिले हैं, वहां के जो अभिलेख है उसमें कुछ स्तंभ, शिलाएं और अभिलेख लिखवाए गए किनके द्वारा, गुप्त वंश द्वारा, तथा सबसे महत्वपूर्ण कहां के, गढ़वा एक स्थान है वहां के अभिलेख और मंदसौर के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और सबसे ज्यादा व्याख्याएं यहीं पे मिलती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मुद्राएं। तो हम गुप्त वंश को स्वर्ण काल भी कहते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस काल में इस वंश द्वारा स्वर्ण के सिक्के, जो सिक्कों का आविष्कार बहुत अधिक संख्या में किया गया था, तो यहाँ पे हमें चांदी, स्वर्ण, सोना, तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि जो गुप्त वंश है वो बहुत ही समृद्ध और आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ही मजबूत अच्छी हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी वृत्तांत। तो विदेशी वृत्तांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो विदेशी लोग थे, ठीक है, वो भारत की यात्रा के लिए आते थे, जैसे मौर्य वंश में कौन आया था, मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य साम्राज्य के काल में कौन आया था, मेगस्थनीस, ठीक है। तो इस वक्त कौन आया था, चीन के यात्री फ्रहान और अल बिरुनी और चीन के यात्री फ्यान, तो इनके द्वारा गुप्त वंश के बारे में लिखा गया, पुस्तकें लिखी गई, वृत्तांत लिखे गए, जिसके द्वारा हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगर आपको अभी तक किसी भी टॉपिक में डाउट आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, थैंक यू।